स्वाद ग्रुप से अमूल पेस पर लाइव आया हूँ, इसलिए मैं मेरा लाइव देखना सभी लोगों को मेरा प्रणाम कहना चाहती हूँ। अब मैं आज बनाऊंगी क्रिस्पी पनीर टिक्की। अमूल प्रोडक्ट यूज करके हम बनाऊंगी, और सुस्वाद ग्रुप को एडमिन डेजी मैम और सुब्रतो जी को मैं मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और अभिषेक जी को भी मेरा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। ये अमूल प्रोडक्ट है, ये अमूल प्रोडक्ट यूज करके मैं आज टिक्की बनाऊंगी, पनीर टिक्की। और अमूल अमूल के बारे में सभी सभी लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, सभी किचन में अमूल ही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सभी लोग। और ये बैनर, ये लोगो, अमूल लोगो मेरे बेटी ने बनाया है, निज हाथों से मेरी बेटी ने बनाया है ये लोगो। अब मैं शुरू कर रहा हूँ मेरा रेसिपी, इसलिए हमको क्या इंग्रेडिएंट्स ही आपको बताती हूँ। ये है पनीर, ये पनीर है, अमूल पनीर है। ये प्याज है, ये जीरा पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये कॉर्नफ्लोर है, ये ब्लैक पेपर है, ये कैप्सिकम है, ये बॉयल्ड आलू है, ये रेड चिली पाउडर है, ये नॉर्मल उच्च है। और इसके साथ मैं बनाऊंगी एक चटनी। एक चटनी मैं आगे से बना कर रहा था, समय नहीं मिलने से लिए। ये बिलाही, खेजूर और ड्राई फ्रूट्स ने बनाया है हमको टिक्की के साथ खाने के लिए। और मैं और एक चाय चाय बनाऊंगी, असम की चाय बनाऊंगी। असम की चाय की स्वाद बहुत अच्छा है, सभी लोग बोलते हैं। अब मैं मेरा रेसिपी शुरू कर रहा हूँ। इसके लिए हमको पहले लेना है ये पनीर, हमने चॉप कर लिया था। पनीर लूंगा, 4 चम्मच पनीर लूंगा, और उसके बाद हम प्याज लूंगी, 3 चम्मच प्याज लिया हूँ। और हम लूंगी ये कैप्सिकम, कैप्सिकम यहाँ पे डाल रहा हूँ। तब उसके बाद हम आलू, बॉईल आलू सफाई को से सब कर रहा था, 3 चम्मच बॉईल आलू लूंगा। तब उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 2-3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1, 2, 3। उसके बाद ये जीरा पाउडर है, 1.5 चम्मच जीरा पाउडर दिया हूँ इसमें। और उसके बाद हम लेंगे धनिया पाउडर, 2 चम्मच, और देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा नमक। अब इसको मैं अच्छे से हाथ से मिलकर रहूंगा, आपसे मिलाऊंगी। ये सभी चीज अच्छे से मिलाऊंगी। मैं और 1 चम्मच पनीर डाल रहा हूँ, 2 चम्मच। आटे जैसे को पकाना है, आटा जैसे उसको मिलाऊंगी, आटे आटे के टिक्की के।
अब मैं उसको एक एक करके ड्रेजे से लड्डू बनाऊंगी। अच्छे से इन टिक्की तैयार हो गया है। और ये पास टिक्की हमने बनाया है। अब मैं गैस चलाकर पेन को ऑन कर गैस ऑन करके पेन भर अब इसमें हम अमूल बटर दे दूंगा टिक्की बनाने के लिए। अब हम टिक्की को रोल कर रहा हूँ, ऐसे रोल कर रहा हूँ टिक्की को, तब ये नॉर्मल उच्च दोनों साइड मिलाकर ये हम फ्राई करेंगे। Thank you.
मेरा भी अच्छे से बन रहा है अमूल बटर के साथ। अब मैं इसके साथ और एक असम की टी लेकर चाय बनाऊंगी। ये अमूल दूध हमने इसको पहले से ही रखा था। टिक्की को इसे इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे। और असम की नमी चाय डालेंगे। चाय अच्छे से पक रहा है। टिक्की अच्छे से बन रही है। थोड़ी सी चाय देती हूँ।
अब इसको हम एक प्लेट के साथ रख लिया है। अब अच्छे से टिक्की बन रहा है स्वादिष्ट, और इसके साथ हम ये टमेटो सॉस डालेंगे स्वाद के लिए। उसके साथ अच्छे से टिक्की खाएंगे, थोड़ा सा चटनी भी यहाँ पे हम डाल रहा हूँ, थोड़ा सा चटनी लेके ये खाएंगे, और चाय भी कप से सेक रहे हैं हम चाय को, अच्छा सा कलर होता है चाय के। असम की चाय बहुत ही स्वादिष्ट है, सभी लोग असम की चाय को बहुत पसंद करती हैं। ये हमारा तैयार हो गया है पनीर, क्रिस्पी पनीर टिक्की, और इसके साथ चटनी भी है, और असम की स्वादिष्ट चाय। मेरा लाइफ देखना सभी लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, सभी लोगों के मेरे साथ इतने समय दिया है, इसलिए मैं अमूल पेस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और सुस्वाद ग्रुप को बाकी एडमिन को भी हम थैंक्स बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। ये टिक्की के साथ चाय।